हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी। इससे पहले हम इस इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़े। ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बताए हैं, उनके बारे में जान लिया जाए। तो वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो क्या किया स्टर्नबर्ग ने? स्टर्नबर्ग ने माइंड पे काम किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, एंड कैसे करी विद अ सीरीज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। उन्होंने कुछ कॉम्पोनेंट्स निकाले एंड उनको लेबल किया, मतलब नाम दिया। और उनको क्या नाम दिया? मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। उनका मानना था कि इन्हीं तीन कॉम्पोनेंट से हमारा माइंड जो है काम कर पाता है, डिसीजन ले पाता है। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो क्या है ये कॉम्पोनेंट्स? तो पहला कॉम्पोनेंट मैंने बताया था आपको अबाउट दी मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? मेटा कॉम्पोनेंट्स आर दी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, एग्जीक्यूशन जो करते हैं, जो काम करते हैं टू यूज़ फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। जो भी माइंड, जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारे बुद्धिमत्ता से जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस हमारे माइंड में चलता है, वो ये मेटा कॉम्पोनेंट्स करते हैं। या फिर आप ऐसा कहें कि दे टेल अस द माइंड हाउ टू एक्ट। तो उनका कहना था ये जो मेटा कॉम्पोनेंट हैं, ये हमारे माइंड को बताते हैं कि किस समय पर हमें क्या एक्शन लेना है, क्या कार्य करना है। जैसे कि अगर हमारे सामने शेर आ जाता है तो हमें हमारा दिमाग कहता है भागो, उससे लड़ने को नहीं कहता। तो ये क्या काम करता है? मेटा कॉम्पोनेंट्स, मतलब थिंकिंग का काम, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस का काम है वो करता है मेटा कॉम्पोनेंट, सोचने की प्रक्रिया। फिर है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट मीन्स जो परफॉर्म करे, जो मेटा कॉम्पोनेंट से सोचा है वो उसको परफॉर्म करे। जैसे कि अगर माइंड ने सोच लिया कि भागना है, एक भागना है या पेड़ पे चढ़ना है या नदी में कूदना है, क्या करना है, तो क्या परफॉर्म करेगा? तो जो सही, जो मेटा कॉम्पोनेंट ने डायरेक्ट किया है उन्होंने, जैसे कोई हो सकता है कि पेड़ पे चढ़ जाए, कोई हो सकता है भागे, तो जिसका जो दिमाग, जो मेटा कॉम्पोनेंट कहता है वो परफॉर्म करे, मतलब उस एक्शन को कैरी आउट करे जो मेटा कॉम्पोनेंट ने ऑर्डर किया, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। सो बेसिकली ये सारे प्रोसेस होते हैं विच अलाउ अस टू डू द टास्क। हम जो भी टास्क करते हैं वो इस परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसीविंग द प्रॉब्लम इन आर लॉन्ग टर्म मेमरी, परसीविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट और अप्लाइंग द रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया रिलेशनशिप में, कि हमें जब प्रॉब्लम आई है कि शेर सामने आ गया तो हमें भागना है, क्या करना है, तो इस रिलेशन में हमें जो सारे परफॉर्मेंस होते हैं वो परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट हमें बताता है। नेक्स्ट इज द थर्ड वन एंड द लास्ट वन जो उन्होंने बताया, ये था नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट, जो कि हमें न्यू इन्फॉर्मेशन, नया ज्ञान लेने की क्षमता देती है। तो इस कॉम्पोनेंट में क्या होता है, हम सारी तरह की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं, ओल्ड न्यू, उन सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके फिर हम अपने वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं, मतलब मेमोरी में फिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है और आप घर आकर उसको रिव्यू करते हैं, तो आपको उससे जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको फीड कर लेते हैं, नॉलेज की एक्विजिशन हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप उसे ना करें। और ये क्या होता है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं तो उनका ये जो कॉम्पोनेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को बहुत ग्रेटर रेट पे या जल्दी से सीख लेते हैं। तो ये तीन मेटा कॉम्पोनेंट्स थे जो कि इन्होंने, जिससे कि इन्होंने माइंड प्रोसेसिंग के बारे में जाना। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी था? ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था कि इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने क्या करी, अपनी ट्रायक थ्योरी बताई। अब ट्रायक थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने सब थ्योरीज बनाई, उन्होंने कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी बनाए, जिसमें कि उन्होंने मेटा कॉम्पोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन जो मैंने बताया वो सब कुछ इंक्लूड किया। फिर उन्होंने एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी दी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि नोवेलिटी और ऑटोमेशन होता है, मतलब न्यू आइडियाज़ और ऑटोमेटिक आइडियाज़ आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने सब थ्योरी दी अबाउट दी कंटेक्चुअल सब थ्योरी, दैट मीन अडेप्शन, सिलेक्शन और शेपिंग। अब ये पूरा मॉडल क्या है, हम अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। तो
क्या थी उनकी ये ट्रायक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी दी थी इन 1988 बेसिस ऑन द जो अभी हमने पढ़ा ऑन द प्रोसेसिंग। तो उन्होंने ये तीन थ्योरी कंपोनेंट्स दिए, पार्ट्स बनाए। फर्स्ट वन उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, तो वो जो मैंने अभी कॉन्टेक्चुअल पार्ट बताया था वो प्रैक्टिकल है, जो कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी जो हमने अभी पढ़ी थी जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया उसमें। नेक्स्ट इज क्रिएटिव जो कि एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी थी। नेक्स्ट इज एनालिटिकल जो कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी थी। तो इन सारी थ्योरीज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे कि छोटा सा एक टेबल से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट वन इज द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशन करते हैं। मींस ये हमारी जिसको बोलते हैं ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, इंग्लिश में एनालिसिस कर लेना, लॉजिकल रीजनिंग कर लेना, ये हमारे एनालिटिकल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स जिसमें कि इनोवेटिवनेस होती है, इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। थर्ड वन है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिनको कि स्ट्रीट स्मार्ट और कॉमन सेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना अरे इसका तो कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, ये तो बहुत स्मार्ट है। और स्ट्रीट स्मार्ट मतलब अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें ये इंटेलिजेंस होता है, इसमें जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन है एवरीडे लाइफ से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। और ये ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है जो कि IQ से नापा जा सके। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ IQ। और जो इंडिविजुअल्स का हाई स्कोर होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में, वो ज़रूरी नहीं है कि उनका क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस में भी हो, ऐसा स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी 1988 में बोला था। अब मैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में बच्ची थी और उसका मन किया स्कूल गेट से बाहर जाने का, तो वो बाहर गई क्योंकि उसको आइसक्रीम लेनी थी। बट जब तक वो आई तो स्कूल का गेट बंद हो चुका था, तो उसको उसकी क्लासरूम में जाने का एक दूसरे तरीका पता था, जहाँ पे कि एक ग्लास विंडो थी। तो वो ग्लास विंडो को ओपन करके उसमें से चुपके से वो आ गई। तो ये क्या है, ये कॉमन सेंस है। तो उसमें क्या क्या, उसने एवरीडे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज है जो एवरीडे की, जिसको पता था कि हाँ वहाँ विंडो है, वहाँ से वो चली गई। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या और क्या क्या होते हैं, जैसे कि कुछ उन्होंने स्टर्नबर्ग ने कुछ और कंपोनेंट्स भी बताए जो कि बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लिए। तो फर्स्ट उन्होंने बताया जी अडेप्टेशन। अडेप्टेशन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन वन मेक्स अ चेंज विद इन वन सेल्फ इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट इन वन सराउंडिंग। मतलब जब कोई इंसान अडेप्ट करना चाहता है अपने आप को चेंज करके, ताकि वो सराउंडिंग में एडजस्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जब सर्दियाँ आती हैं हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ये एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द शेपिंग। शेपिंग मीन्स जब हम अपने अनुसार इन्वायरमेंट को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर ठंड लग रही हो, हम गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहते, तो हम हीटर ऑन कर लेते हैं। तो इट्स कॉल्ड शेपिंग। एंड नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जो कि बिल्कुल न्यू और अल्टरनेट एनवायरनमेंट का मिलने पर उसको प्रीवियस से रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, अगर कोई लोग उस जगह रह रहे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ को खतरा है या बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही है, जैसे गांव विलेजेस में लोग रहते हैं और बहुत गरीबी में रहते हैं, खाने के लिए दाना पानी नहीं होता है, तो वो शहर में आ जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ भी गुजर बसर कर लेंगे। हालांकि उनको ये चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बट अपनी जीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको ये सिलेक्शन करना पड़ता है। तो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज द एनालिटिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि पता ही चल रहा है, एनालिटिकल मीन्स हम एनालिसिस करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को। कैसे इवेल्युएट और एनालाइज करते हैं, देखते हैं। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द कंप्यूटेशंस। मीन्स जो भी हम एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जज, कंपेयर, कंट्रास्ट, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, हमें जब कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं तो हमें पता होता है कि हम प्लस करना है या माइनस करना है
या डिवाइड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बॉड मास का फॉर्मूला लगाना है या पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है। तो ये सब एग्जाम्पल है ऑफ द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिससे कि हम एनालाइज करते हैं फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप एंड सेक्शन बाय सेक्शन और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिएटिव मीन्स जिसमें कि इन्वेंशन हो और इमेजिनेशन हो और अपने इन्वेंटिव आइडियाज से, इमेजिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि जितने भी नई इन्वेंशंस हुई हैं वो सब नई सोच से, इनोवेटिवनेस से हुई है, बिकॉज दे उनको एक नोवल सोल्यूशन लगा। जैसे कि टेस्ला ने वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई और बहुत सारी ऐसे ही इन्वेंशंस हमारे पास में हुए हैं जो कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल हैं। ये आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स में पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। सो बेसिकली उनकी स्टर्नबर्ग की जो ट्रायक थ्योरी है वो क्या कहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कॉम्पोनेंशियल का जो है एनालिटिकल पार्ट है। ये जो है कॉम्पोनेंशियल मीन्स एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल मीन्स क्रिएटिव न्यू इनोवेशन एंड कंटेक्चुअल इज द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल मीन्स जब हम बहुत एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं एंड अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं इफेक्टिवली। एक्सपीरियंशियल मीन्स जब हम न्यू आइडियाज़ के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड कंटेक्चुअल मीन्स जब हम अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढालते हैं और अपनी लाइफ को स्ट्रेंथन करते हैं एंड कॉम्पनसेट फॉर द वंस वीकनेस, अडेप्ट करते हैं, शेप करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट द ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। होप आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको लाइक करिए, बिकॉज आपका लाइक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।